मुकम्मल से सपा के सांसद डॉक्टर वरका श्रीराम मंदिर शिलान्यास को लेकर विवादित बयान, कहा बीजेपी ने मंदिर की बुनियाद रखकर जमहूरियत और सेकुलरिज्म का किया कत्ल। श्रीराम मंदिर को लेकर अब नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जनपद संभल की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्ग ने श्रीराम मंदिर शिलान्यास को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने मंदिर की बुनियाद रखकर जमहूरियत और सेकुलरिज्म का कत्ल किया है। सपा सांसद यही नहीं रुके और आगे उन्होंने कहा कि हमारे लिए वे जगह बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद ही रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी और आरएसएस ने ताकत के बल पर अदालत से अपने हक में फैसला कराया है। हकीकत तो ये है कि वहाँ वो बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है, इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद रहेगी। जहाँ एक मरतबा जो बाबरी कोई मस्जिद बन जाती है अल्लाह की तरफ से, तो वो जमीन वो हिस्सा मस्जिद ही रहता है और मस्जिद रहेगा। ये इस्लाम का कानून है। तो इसलिए ये यहाँ पर जिन हालात में भी हमारे, चूँकि हम यहाँ ये बीजेपी की सरकार है और आरएसएस की माइंडेड सरकार है, तो इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर अमल किया गया है, मुसलमान ने बहुत सब्र जब से काम किया है और बहुत ही मुस्तकिल मिजाजी के साथ बहरहाल उनको इसमें कोई दखलंदाजी नहीं की। लेकिन ये मैं ही कहना चाहता था, संग बुनियाद रखना जमहूरियत का खत्म करना है और सेकुलरिज्म का खत्म करना है। ऐसा बहरहाल इस जमहूरी मुल्क के अंदर ये जो अमल हो रहा है, इस अमल पर उन्होंने शायद कभी गौर नहीं किया कि हम जो कुछ भी यहाँ पर ये कर रहे हैं बहरहाल किस बुनियाद पर कर रहे हैं। ठीक है, अब चूँकि उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर जो संग बुनियाद रख दी और अदालत से भी, अदालत आलिया से भी अपने फेवर में करा लिया इस को, तो ये कानूनी इंसाफ नहीं है बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन हमने सब्र से काम लिया है और आज भी हम अल्लाह के भरोसे पर ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता, इस बात को अल्लाह की जो हुक्म दिया है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, मोहन भागवत ने अब तक भगवा नहीं अपनाया था, भगवा नहीं बनते थे, लेकिन आज पूरी तरह से वो भगवा हो चुके हैं, इस पर आपको कुछ कहेंगे? कौन? मोहन भागवत। मोहन भागवत ने अभी तक भगवा नहीं अपनाया था। हाँ। वो को भगवा का चोला नहीं पहनते थे, वो नहीं पहनते थे, आज पहने हुए थे। आज तो उन्होंने वो अपने अमल से पहन कर बता दिया कि मैं भगवा हो गया जी। तो इस हालत में इस वक्त ये सबका जहन एक है, सब ने जो कुछ भी किया है सबके मशवरे से ये नींव रखी गई है। लेकिन मुसलमानों को इससे बिल्कुल खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि अल्लाह ना अहिया अल्लाह के भरोसे पर जिंदा है, इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे। और हम कानून शिकनी कभी नहीं करेंगे, हम कानून के आइन के दायरे में है जो कुछ भी करते हैं करेंगे और इस आइन की हिफाजत के लिए, मुल्क इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हिफाजत के लिए पर हमें पूरा ख्याल रखना है और मुल्क को बचाने के लिए हमें सारी। लेकिन मुसलमान इससे मायूस ना हो, घबराए नहीं ना, ये हम कोई मोदी और योगी के ऊपर यहाँ जिंदा नहीं है उनके रहमो करम पर, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर यह जिंदा है। और हमने इस देश को जितनी बड़ी कुर्बानी दी है आज वो उसको भुला नहीं सकती दुनिया की।